इन दिस वीडियोज़ में आज हम सीखेंगे इन दिस वीडियोज़ में कैसे एक प्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द वेब एपीआईज। तो हमारे पास वेब एपीआई है कॉन्टैक्ट डॉट प्रेजेंटेशन लिस्ट लाइक दिस। तो इन दिस वीडियोज़ में ये प्रेजेंटेशन लाइक दिस इम्प्लीमेंट करना है हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इन दिस वीडियोस में आज हम एक इम्प्लीमेंट करेंगे ब्लेजर में पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने एक वेब एपीआई की वीडियोस बनाई थी, इसमें आइकन्स पे आप जाके देख सकते हैं, आपके वेब आइकन्स मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं इसमें पेजिनेशन को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया था। इन दिस वीडियो में एक्चुअली क्या है, जो पेजिनेशन की जो एपीआई है वेब एपीआई, तो आज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना ब्लेजर्स में। तो हमारे पास डेटा आ रहा है मेरे लिए, जो कॉन्टेक्ट्स के लिए जो लिस्ट आ रही है वो 25 रिकॉर्ड्स या 26 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे 25 रिकॉर्ड्स हैं ओनली। तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे पेजिनेशन जिसमें कि 10-10 रिकॉर्ड्स करके शो हो दिस टाइप्स। तो कर दें लाइट स्टार्ट इन दिस वीडियो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो एक्चुअली क्या है कि ये हमारे पास पूरा एक प्रॉपर ढंग से लिस्ट है, एक तरह से लिस्ट, इसमें पेजिनेशन इम्प्लीमेंट नहीं है। तो हमारे पास एग्जैक्टली जो हमारे पास एपीआई है ये गेट कॉन्टैक्ट पेजिनेशन लिस्ट की एपीआई है। तो इसमें यहाँ पैरामीटर्स हैं, करंट पेज हैं, पेज साइज हैं और इसमें दिस टाइप्स हैं मॉडल्स लाइक दिस। तो सबसे पहले हम एक शेड पे जाते हैं, जस्ट लाइक ए शेड पे जाते हैं और एक पेजिनेशन का शेड पेज बनाते हैं एज अ कॉमन पेज। तो सेम एज न्यू आइटम्स डेट्स लाइक रिसोर्स कंपोनेंट्स यूजिंग, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम डॉट पेजिनेशन। तो एग्जैक्टली है जो हमारे पास ये पेजिनेशंस का है। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारे पेजिनेशंस का एक जो मेथड से मैंने इसे ऑलरेडी काफ़ी पहले से बना के रख रखा है, तो मैं जस्ट इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए एंड कंट्रोल बी। तो दिस टाइप से ये पेजिनेशंस का एक प्रॉपर ढंग से मॉडल्स हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ स्टेप स्टेप बाय स्टेप, आप पॉज करके देख सकते हैं इसलिए। तो नेविगेशंस की ये है बूटस्ट्रैप टाइप का मेथड्स। तो इसमें जो भी पेजिनेशन है इसमें जो पैरामीटर्स है, फर्स्टली जो करंट पेज है, जो रिसेंटली में जो पेज चल रहा है करंट पेज दिस टाइप्स, एंड टोटल पेज क्वांटिटी है, जो भी टोटल पेज की क्वांटिटी, एंड रेडियस यानी कितना साइज, एक्चुअली डिफॉल्ट्स में हमने 3 दे रखा है, और यहाँ पे जो हमने एक इवेंट्स बना रखा है मेथड्स के नाम से दिस टाइप्स। तो एक्चुअली आप वीडियो को पॉज करके तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दिस टाइप्स। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रख रहा था दैट्स दिस टाइप एंड सेलेक्ट पेज इंटरनल लाइक दिस, एंड पैरामीटर्स 1, 2, 3, 4 पैरामीटर्स हैं एंड दिस टाइप्स लाइक दिस इजिली टू। ये मॉडल्स हो गया हमारे पास, लिंक्स मॉडल्स का हो गया जो भी एग्जैक्टली। तो अब हमने जो पेजिनेशन का जो शेड पेज है ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इससे पहले हमें जो हमारे पास जो एपीआईज है, जो हमारे पास वेब एपीआईज है, इसके एक मेथड्स बना लेते हैं फर्स्टली। तो मेथड्स बनाते हैं, तो फर्स्टली जाते हैं सॉल्यूशंस पे और यहाँ पे जाते हैं मॉडल्स पे। मॉडल्स पे यहाँ पे लिखते हैं एक, हम कॉमन्स ले लेते हैं, कॉमन्स पेजिनेशन का मॉडल्स फर्स्टली ले लेते हैं रेड स्टार, एंड क्लास पे जाते हैं सिंपल सा, देन यहाँ पे आपको लिखना है पेजिनेशन मॉडल्स। सिंपल से मेथड्स है, नॉट पिक्स मेथड्स, जस्ट लाइक एंड पब्लिक इसे दे देते हैं। तो हमारे पास जो इसमें जो नेम लिखा हुआ चाहिए प्रॉपर्टी टाइप्स है दिस टाइप्स। तो यहाँ पे सिंपल से लिखना है पी आर ओ पी एंड टैब्स क्लिक करना है, डबल टैब्स, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल डी से ये पूरा कॉपी हो जाएगा, और देन यहाँ पे जो हमारे करंट पेज हैं लाइक दिस एंड सेम एज कॉपी पेस्ट, नॉट अ बिग डील। एंड काउंट है दिस टाइप्स काउंटेड, एंड सेम एज पेज साइज दैट्स गुड, पेज साइज कितना है यानी 10, 5 कितने, यहाँ पे टोटल्स पेजेस हो जाएंगे जो भी हमारे एपीआईज के थ्रू आएंगे डेटा। जो अगर आपको एपीआईज की पेजिनेशन जिसकी वीडियो देखनी है तो आपको मैं आइकन्स में मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ से पे जाके एक बार वीडियोज़ को भी देख सकते हैं कैसे कैसे पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं जस्ट लाइक दिस।
सेम एज इंडेक्स वंस हो गया एंड टू हो गया एंड एंड एनीवन इज मोर लाइक दिस ओके सो प्रीवियस माय गॉड एंड लाइक दिस सो प्रीवियस। तो हमारे पास ये क्या है, सो प्रीवियस है, बुलियन टाइप है, नो इश्यू। तो इसको हम कर देते हैं बुलियन टाइप्स मेनली कॉपी पेस्ट। तो एक्चुअली क्या, सो प्रीवियस हो गया सो फर्स्ट लास्ट लाइक दिस। एक्चुअली हमें जो फो सो प्रीवियस एंड फर्स्ट लास्ट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेट्स, तो कोई नहीं, नो इशू। लेट्स यूज़ करने में हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। तो सिंपल से हमने पेजिनेशंस का मॉडल्स तो यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे कॉमन्स। तो एक मॉडल्स बना लेते हैं, जो हमारे पास एक पहले से कॉन्टेक्ट्स का मॉडल है, तो इसी को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे और क्लास पे जाना है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉन्टेक्ट पेजिनेशंस मॉडल, दैट्स गुड। ये जो हमारे पास मॉडल्स हैं ये तो रेडीज हो गया है, नॉट अ। और इसमें हम पहले से प्रॉपर्टीज को पब्लिक्स करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पेजिनेशंस मॉडल एंड दिस इज पेजिनेशन एंड गेट एंड सेट। तो जो एक पी है जो कैप्स में करते थे, ये पेजिनेशंस का हमारे एक मॉडल्स प्रॉपर्टी से कॉल हो के लाइक दिस। इतना हमारे पास ये डेटा पूरा कॉल हो गया। अब हम इस डेटाज को कॉल करना है क्योंकि ये पूरा लिस्ट टाइप है, तो लिस्ट टाइप्स कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक लिस्ट कॉन्टेक्ट मॉडल, और यहाँ पे लिख देते हैं हम जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम एज यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट एंड गेट एंड सेट, और सेम एज जो भी पेजिनेशंस का है ये ऑब्जेक्ट दिस टाइप सेम एज कॉपी पेस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास ये तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे सर्विस पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट पे सर्विस पे जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो ये मेथड्स है मैंने पहले से इसमें इंप्लीमेंट किया हुआ था, तो एक बार और इंप्लीमेंट कर देते। तो इंटरफेस में पहले ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सीधा और टास्क, और देन यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट्स पेजिनेशंस मॉडल्स गेट कॉन्टैक्ट पेजिनेशन पेजिनेशंस लिस्ट। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, इनिट है करंट करंट पेज हो गया हमारे पास, और इनिट हो गया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 1 एंड इनिट पेज साइज, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं जस्ट लाइक अ 10। तो दैट्स दिस टाइम इज कम्प्लीट। एंड अब जाते हैं कॉन्टेक्स्ट में, और सेम एज यहाँ पे माउस ले जाना है और इम्प्लीमेंट स्टैक। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब इसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे लाइक दिस। तो एक्चुअली का ये इम्प्लीमेंट्स हमने कर रखा है, तो सेम एज ऐसे ही करते हैं। तो कोई नहीं, हम स्टेप बाई स्टेप करेंगे, नो इश्यू। आपके लिए मैं दोबारा से कर देता हूँ, बस मेरे लिए एक छोटी सी हेल्प करना कि जो भी मेरा यूट्यूब चैनल्स हैं उसको एक बार सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े इंक्रीज हों, डेट्स रीज़न। तो ये हमने मॉडल्स क्रिएट कर दिया मेनली, और अब यूज़ करते हैं यूजिंग यूजिंग्स वेर क्लाइंट, इट्स नॉट एंड एचटीटीपी क्लाइंट एंड ब्रैकेट्स ओपन दैन क्लोज व्हाट इज दिस। तो यूजिंग्स हो गया हमारे पास, और हमने यहाँ पे ऐप सेटिंग्स कॉल कर रखी है। तो ऐप सेटिंग्स के बारे में हमने यूज़ किया हुआ, तो एक्चुअली क्या, जो स्टार्टअप्स में होता है हमारे पास, जो हमारे पास ऐप सेक्शन है लाइक दिस एंड दिस दिस ऐप सेटिंग्स हैं, ये मॉडल्स हैं हमारे पास, ऐप सेटिंग्स का मॉडल्स हैं दिस टाइप्स आई पी आई। एक्चुअली क्या, ये जेसन्स को रीड करता है, तो जेसन्स का हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये दिस क्यू ए करके हैं। अगर आप डेवलपमेंट्स में देखेंगे, यहाँ पे माउस में ले जाएंगे राइट क्लिक देन प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पे देखेंगे डीबग्स में है जो वैल्यू है क्यू है, तो देन ऐप सेटिंग्स ये वैल्यू रीड करता है मेनली, जो हमारे पास जो भी एपीआईज का यूआरएल है दिस लाइक दिस। तो सिंपल सा है, नो नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी इजी। तो लेट्स स्टार्ट, तो कर दिया हमने, तो लेट्स स्टार्ट क्या कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्लाइंट डॉट बेस एड्रेस इज इक्वल टू सेम एज न्यू यू आर आई एंड एंड ब्रैकेट्स ओपन देन ऐप सेटिंग्स डॉट वैल्यू पी एस लाइक दिस एंड सेम एज क्लाइंट्स
डिफॉल्ट्स रिक्वेस्ट एरर्स को इस पर एक बार क्लियर कर देते हैं, दैट्स नॉट इश्यू। और यहाँ पे लिखते क्लाइंट्स डॉट, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट्स रिक्वेस्ट हेडर एंड देन एक्सेप्ट एट। ओके, तो यहाँ पे लिखना है मैं डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर्स देन एट दैट एट मी एक्सेप्ट डॉट एट इज इक्वल टू सेम एज मीडिया टाइप्स डेटा हेडर्स वैल्यू एंड दिस देन ब्रैकेट्स ओपन। तो एक्चुअली जो न्यूज कीवर्ड्स यूज करना है, तो यूज लाइक दिस। तो एक्चुअली जो ये वैल्यूज होती है हेडर्स की, तो इसमें हमें क्या लिखना है, ऐप सेटिंग एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन, सिंपल सा है, एप्लीकेशन स्लैश सही है। ओके गुड, अब वेर रिस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्स। तो एक्चुअली क्या है, हम जो मैथड्स यूज कर रहे हैं सिंक्स मैथड्स यूज कर रहे हैं, डेट्स बाई यूजिंग द सिंक्स एंड एवेट्स लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं क्लाइंट्स डॉट गेट लाइक दिस एंड दिस एंड ब्रैकेट दिस। जो हमारे पास पेज इनिशियंस हैं, ये दिस एपीआई से इसको सिंपल से कॉपी करना है, इसे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एग्जैक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसमें मेरे को पैरामीटर्स देने के लिए हमें यहाँ पे एक डॉलर का साइन यूज़ करना पड़ेगा, और सेम एज। तो हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट पेज है, तो यहाँ पे लिखना है करंट पेज एंड दिस, जो हमारे पास पैरामीटर्स है करंट पेज, हमने दिस टाइम्स करंट पेज यूज़ कर लिया, एंड जो हमारे पास जो भी है ए पी आईज के हैं, पेज साइज देना है, पेज साइज इज इक्वल टू एंड दिस पेज साइज। तो एक्चुअली क्या, ये हमारे पास ए पी आईज का पूरा अकॉर्डिंग से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है तो इससे क्या करना है, तो रीड करना है, रीड टास्क इज इक्वल टू सेम एज दिस टाइप्स, एंड यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड थिंग्स एंड रिस्पॉन्स सेम एज एंड ब्रैकेट्स ओपन्स डॉट रिजल्ट्स। तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, वेर नहीं का यूज़ करते हैं हम, इसमें मॉडल्स यूज़ कर देते हैं, मॉडल्स जो भी हमने मॉडल्स का ऑब्जेक्ट बना रखा लाइक दिस एंड ब्रैकेट्स ओपन्स एंड यहाँ पे लिखना है जेसन्स कन्वर्ट डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट्स एंड सेम एज मॉडल्स को कॉल करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्ट इजनीशंस मॉडल्स एंड ब्रैकेट ओपन देन क्लोज इट लाइक दिस। तो इसमें भी क्या पास करना है, हमें रीड टास्क को पास करना है कि ताकि ये डेटा रीड कर सके, और देन जब ये रीड कर ले तो रिटर्न भी कर दे मॉडल्स दिस टाइप्स रिटर्न्स हो जाएगा। अगर ब्लैंक आता है तो यहाँ पे रिटर्न्स हो जाएगा मॉडल्स। तो ये हमारे पास मेथड्स प्रॉपर्टी से कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमने एडर्स एक्सेप्ट लाइक दिस कर रखा है सेम एज लाइक दिस, एंड ये मेथड्स हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसे कॉल करके देखते हैं और पिजिनिशंस को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैं एक बार कॉन्टेक्ट पिजिनिशंस मॉडल्स को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अपने जो भी हमारे पेज हैं इंडेक्स पेज पे हैं लिस्ट टाइप्स, तो इसमें अब हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कॉन्टेक्स्ट। देन यहाँ पर लिखते हैं मॉडल्स इज इक्वल टू न्यू सेम एज कॉपी पेस्ट लाइक दिस। तो एक्चुअली क्या है, इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें यूज़ करते हैं मेनली एक मेथड सुना लेते हैं। फर्स्टली एक सिंपल से मेथड सुनाते हैं, इसमें यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट करके एक मेथड सुनाते हैं, इसमें लिखते हैं प्राइवेट ये सिंक्स और टास्क यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी मेथड्स हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं लोड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे हम पास करते हैं इंटीजर्स करंट पेज हो जाएगा एंड रेट पेज साइज
देन ब्रैकेट्स ओपन, और डिफॉल्ट्स में हम दे देते हैं इसमें वैल्यू एक कर देते हैं 1 एंड पेज साइज इज इक्वल टू 10। तो डिस टाइप से है और ये मॉडल्स में है, हमारे पास मॉडल्स आएगा तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है, अवेट यूज़ करना है एंड टास्क डॉट रन ब्रैकेट्स ओपन देन ब्रैकेट्स ओपन द स्लैश एंड यहाँ पे लिखना है मैंने कॉन्टेक्स्ट सर्विस कॉल करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट सर्विस ऐड कर रखा है, दैट्स व्हाई यूजिंग दिस। एंड यहाँ पे जो हमने सर्विस बनाया था तो गेट कॉन्टेक्ट रिजनेशंस के बनाया था, इसमें जो भी मेथड्स हैं पैरामीटर्स हैं, इसमें दो पैरामीटर्स हैं जो डिमांड्स में है, मेनली टू पैरामीटर्स, तो इसे कॉल कर देते हैं, करंट पेज हो गया हमारे पास और एक हो गया पेज साइज। तो दिस टाइप्स हैं, ये पडंग से कंप्लीट हो गए, एक लोड्स कॉन्टेक्ट डिटेल्स। एंड अब हमें एक और मेथड चाहिए स्मेली, तो इसमें लिखेंगे प्राइवेट एसिंक्स टास्क एंड सेलेक्ट सेलेक्टेड पेज, सेलेक्ट पेज या सेलेक्टेड पेज कर देते हैं, सेलेक्टेड पेज इज गुड। एंड यहाँ पर दे देते हैं इंटीज पेज इंडेक्स या फिर लिख देते हैं यहाँ पे करंट पेज यूज़ करते हैं मेनली दिस टाइप्स एंड ब्रैकेट्स ओपन, और यहाँ पे करते हैं वेट्स करते हैं और लोड करते हैं कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स को। तो इसमें हम पास कर देते हैं करंट पेजेस, जो भी हमारे पास ये करंट पेजेस है पैरामीटर्स हैं लाइक दिस, तो दिस टाइप। तो मैं इसे ना थोड़ा सा ये एक जो पैरामीटर्स ये सेम लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज इंडेक्स लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पेज इंडेक्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया, डेट्स वाई यूजिंग पेज इंडेक्स। तो ये हमारे पास ये चीज़ है, ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जब पेज इनिशियलाइज होगा, जब पेज लोड होगा फर्स्ट टाइम, तो फर्स्टली क्या होगा इसके अंदर, तो एवेट्स करते हैं, इसे लोड करते हैं कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स को। तो ये क्या करेगा, ये फर्स्टली इनिशियलाइज होगा तो ये दिस मेथड्स पे जाएगा और यहाँ पे मॉडल्स के अंदर बाइंड हो जाएगा पूरा डेटा। तो मॉडल्स को भी हम कॉल कर देते हैं, ऊपर जाते हैं एक बार। तो मॉडल्स हैं इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल एंड मॉडल्स दैट्स लाइक कॉन्टेक्ट लिस्ट दिस टाइप्स। और फुटर्स में हमने जो पेजिनिशंस का बनाया था पेज, लाइक आपने देखा होगा ध्यान होगा तो ये पेजिनिशन का शेड के अंदर पेज है, तो इसको हमें कॉल करना है। जो इसमें पेजिनिशंस के जो पैरामीटर्स हैं सेम एज, तो पेजिनिशन को ऐसे लिखना है और सिंपल इसके अंदर जो भी है, जो भी टोटल टोटल पेज क्वान्टिटी, तो यहाँ पर हमें ले जाना है मॉडल्स यूज़ करना है और यहाँ पे पेजिनिशंस का आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा टोटल पेजेस। तो हमारे पास ये एक कॉल हो गया। एंड सेकंड वन है हमारे पास, जो हमारे पास था करंट पेज था पैरामीटर्स, अगर आप इसका एक बार मैं पैरामीटर्स दिखा देता हूँ आपको। पैरामीटर्स के लिए पेजिनिशंस पे जाते हैं और ये हमारे पास 1 2 3 4 है। तो करंट पेज हो गया, टोटल पेज क्वान्टिटी हो गया, रिड्यूस हो गया इस, देन ये करंट पेज हमारे पास क्या है, मॉडल्स डॉट पेजिनिशंस डॉट करंट पेज। तो एक और है हमारे पास रेडियस करके हैं, दिस टाइप्स रेडियस, तो हम इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 3 दे देते हैं या 4 इट्स गुड। एंड एंड दिस इज मैथड्स एंड इवेंट्स, लाइक इसे हम कहेंगे इवेंट्स कॉल बैक्स मैथड्स हैं, जो कि सेलेक्ट पेज यहाँ पे भी बना हुआ है, तो सेलेक्टेड पेज पूरा प्रॉपर ढंग से दिस टाइप्स कॉल करते हैं इनवॉक। तो इसको भी हमने जो हमने पेजेस बनाया था सेलेक्टेड पेज लाइक दिस, तो इसको हम कॉल करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास 1 2 3 4 पैरामीटर्स हो गए, ये पैरामीटर्स हो गए, ये प्रॉपर ढंग से कॉल हो गया। तो इसे आप ईजिली टू कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरह से जो हमारा पेजिनिशंस हो गया, जो भी कॉमन्स हो गया, तो दिस टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर ढंग से कंप्लीट है, अब इसको यूज़ करके देखते हैं तो वर्किंग करता है कि नहीं करता, दैट्स व्हाई अगर कोई इशू आता है तो एंड रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो APIs हैं ये वर्किंग है, दिस टाइप्स APIs है वर्किंग है लाइक दिस कॉन्टेक्ट लिस्ट। एंड अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, बोलता हूँ यहाँ पे जाएंगे सेम एज
रनिंग इन द प्रोसेस एंड गेटिंग सम एरर सो व्हाट ओके सो फर्स्ट फेज है दो बार हो चुका टू टाइम्स हो गया था दैट्स व्हाई यूजिंग एरर एंड सेम एज देन रन द एप्लीकेशंस ओके तो एक्चुअली क्या है जो मॉडल्स हमने लिखा था यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल्स तो इसी वजह से यहाँ पे एरर शो कर रहा है तो ये कभी कभी बाय चांस एरर्स कर सकते हैं तो इससे क्या करना है कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो यहाँ पे जाना है यहाँ पे लिखना है डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट सेम इज नॉट इक्वल टू नल फिर एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कोई एरर्स है कि नहीं है अगर कोई इस पेजिनेशंस की वीडियो में या कोई दूसरी वीडियोस में अगर इश्यू आते हैं तो आते हैं ना आप कमेंट्स कर सकते हैं मैं उसको सॉल्यूशन से रिजॉल्व करूँगा इजिली एंड ये हमारे पास एप्लीकेशंस रन हो गया बट इसमें स्पेस नहीं है पेजिनेशंस में स्पेस नहीं है तो उसे भी हम एक तरह से सेंटर करते हैं तो दैट्स माई थिंग सेंटर एंड वहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास पेजिनेशंस हैं इसको टेबल्स के बाहर कॉपी पेस्ट करते हैं लाइक दिस लिखते हैं div क्लास टेक्स्ट सेंटर सेंटर ले दो दैट्स व्हाई यूजिंग इट कॉपी पेस्ट इस एप्लीकेशन को विदाउट डिविंग चलाता हूँ कंट्रोल F5 से तो देन ये एप्लीकेशन इन रनिंग इन प्रोसेस दिस टाइप्स एप्लीकेशन हैं जो हमारे पिजिनेशन का जो मेथड्स हैं ये यहाँ पे नीचे सारा है 1 2 3 एंड अगर मैं 2 पे सिलेक्ट करता हूँ तो देन ये चेंजेस हो जाते हैं ऑटोमेटिक्स 20 to 23 1 तो दिस टाइप्स आप अपने किसी भी नेक्स्ट प्रीवियस लाइक दिस तो दिस टाइप्स मेथड्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में तो मैं इसकी जो भी ये प्रोजेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है जो डेटा है मैं गिटलैब से के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये कोड्स देखना है तो मेनली मेन है डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं लेट्स यूजिंग